दो दिन पहले एक एग्जिट पोल में भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा की पहली पसंद बताए जा रहे थे, लेकिन आज रियल पोल रिजल्ट आया तो नायब सैनी ने हुड्डा का गणित उलट दिया। सबसे पहले आज सुबह काउंटिंग से पहले का हुड्डा का कॉन्फिडेंस लेवल देख लीजिए। मैं ना तो टायर्ड हूं और ना ही रिटायर्ड हुआ हूं। चुनाव एक खेल है, आखिरी गोल हम मारेंगे। लेकिन दोपहर होते होते बीजेपी का ग्राफ और ऊपर उठा तो हुड्डा कुछ डगमगाए, उन्हें वोटों की गिनती में झोल दिखने लगा। जो मेरे पास खबर आ रही है, हम कांग्रेस को बहुमत मिल रहा है और चुनाव आयोग से मेरी दरखास्त है थोड़ा इसको एक्सपीडाइट कराएं, कई कई जगह काउंटिंग रुकी हुई भी है। अब सवाल उठते हैं कि क्या हुड्डा के इसी ओवर कॉन्फिडेंस में पड़कर कांग्रेस ने हरियाणा की बाजी गंवा दी। नतीजे बताते हैं कि वो सिर्फ रोहतक की हवा समझ पाए, हरियाणा की नहीं। रोहतक की चारों सीट कांग्रेस के खाते में गई। भूपेंद्र हुड्डा गढ़ी सांपला सीट से तीसरी बार जीते। हुड्डा ने 70,000 से ज्यादा वोट से जीत दर्ज की। पॉलिटिकल कॉरिडोर में इस बात की चर्चा है कि हुड्डा का सीएम की दावेदारी न छोड़ना युवा वोटरों को पसंद नहीं आया। ऐसे दिखा जैसे वो सीएम की रेस में सैलजा के साथ साथ अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को भी पीछे धकेल रहे हों। कांग्रेस को हुड्डा के पुराने कार्यकाल का भी नुकसान हुआ। बीजेपी ने बार बार जमीन घोटाले याद दिलाए, टिकट बंटवारे में भी हुड्डा की चली। बताते हैं आम आदमी पार्टी से अलायंस न करने का मूल आइडिया भी हुड्डा का ही था। अब कांग्रेस इसका भी गुणा भाग करेगी, क्योंकि कई सीटों पर हार का अंतर उतने से भी कम है जितने आम आदमी पार्टी को वोट मिले। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.